इसके हाथ में फूल है। सिद्धार्थ निगम थोड़ा चले भाई कहाँ जाओ पीछे बोलो भाई। इस फिल्म की जो इस फिल्म का जो बेस है जो भंकस है इसमें भंकस का मीन्स है बकवास कि ये जो दुनिया है जब ये लड़ाई करती है इन लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं होती है। सो ये फिल्म बेसिकली इस पर बेस है और मेरा जो कैरेक्टर है विचित्र पिल्लई नाम है मेरा जो मेरे कैरेक्टर का नाम विचित्र पिल्लई है और मुझे ये कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा जब मुझे अनमोल पांडे सर ने ये कैरेक्टर के बारे में मुझे ब्रीफ किया। सो आई रियली लव दिस कैरेक्टर एंड सो मुझे बहुत अच्छा लगा करने में भी अच्छा लग रहा है। भंकस की आपने रियल लाइफ किससे की? भंकस की रियल लाइफ नहीं है ये एक हाँ ऐसी मैंने ऐसे कभी किसी से भंकस नहीं किया है बट मैं हमेशा सबको यही कहता हूँ कि लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा अगर हम किसी को प्यार से अलग तरीके से समझाएं तो वो ज़्यादा बेटर होता है। सो भंकस भी इसी तरह ही कुछ है कि हम ज़्यादा किसी लड़ाई झगड़ा ना करें और यू नो एक अलग तरीके से कुछ अलग सोच के यू नो नॉन वायलेंस किस तरह सोच के हम अच्छे सब कुछ अच्छे से करें। आपके साथ डे टू डे की शुरुआत कितनी अच्छी बात है क्योंकि आज ही मतलब आपका बर्थडे भी हुआ आज फिल्म के अनाउंसमेंट हो रहा है तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ऐसे मेरा बर्थडे जो है जो मेरा लास्ट टाइम प्रीवियस बर्थडे था उस वो भी मुझे बहुत अच्छा था। दिस टाइम मेरा जो बर्थडे है उसमें मुझे बहुत खुशी हो रही है बिकॉज़ यू नो जब बर्थडे आता है तो आप भी बड़े होते हो आपके एक्सपीरियंस भी बड़े होते हैं आप बहुत कुछ सीखते हो एंड यस आप लोग भी इतने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं मेरा बर्थडे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड और मेरे बर्थडे में मुझे फिल्म भी मिली है सो यू नो डबल खुशी है बहुत ज़्यादा खुशी मैं। ऐसा बर्थडे है आई थिंक मैं ये वाला बर्थडे नहीं भूलूंगा बिकॉज इस बर्थडे में मुझे फिल्म भी मिली है। आइए ये मेरी मम्मी है शी इज़ माई मॉम। मुझे इस बर्थडे में ज़्यादा खुशी इसलिए है क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे कार गिफ्ट करी है BMW एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि मैं भंकस साइन कर रहा हूँ और ये भंकस मूवी बहुत अच्छी है दोनों मुझे बहुत खुशी है। कोई BMW के बाद दूसरी कार का डिमांड है कि मम्मी नेक्स्ट टाइम कुछ और दिलाइएगा मतलब उससे भी बड़ी कार जैगुआर वगैरह तो मैंने कहा नहीं अभी नहीं। मम्मी हमें टारगेट देती हैं कहती हैं बेटा एम इट एंड विन इट। अरे बचपन तो फिर जैसे बच्चे बड़े होते उस तरह डिमांड होती है ना। बचपन में तो हम घर पे भी कैंडल जला देते थे अगरबत्तियाँ जला करके फूल माला हम लोग गायत्री संस्था से हैं तो हमेशा हमारे यहाँ पूजा से होती थी। बेसिकली द थिंग इज नहीं बर्थडे में तो ऐसी कोई मस्ती नहीं है लेकिन इसने एक बार ऐसी मस्ती की थी कि हमारे यहाँ एक एंगेजमेंट चल रही थी और इसने ऊपर माचिस डाल दिया था माचिस की तील डाल दी थी और नीचे पूरे गेस्ट डिनर कर रहे थे और ऊपर आग लगी हुई थी और ये साइड में खड़ा हो गया था कि आज तो एंगेजमेंट में मेरी धुनाई होने वाली है क्योंकि धुनाई मतलब धुलाई माफी तो इसने वो मस्ती बहुत गंदी वाली की थी। और यू नो व्हाट कि ये जो बर्थडे हम इतने अच्छे सेलिब्रेट इसलिए करते हैं क्योंकि मेरे ही नहीं मेरे जो एल्डर ब्रदर हैं अभिषेक निगम हम दोनों का बर्थडे साथ में होता है। अभिषेक को बुला दो मेरे भाई भी आएंगे अभी आ रहे हैं वो
सो ये जो है ये मूवमेंट बहुत अच्छा है क्योंकि 13 सितंबर को हम दोनों एक साथ पैदा हुए थे, बस 4 इयर्स का फ़र्क है। सी मेरी विश यही है कि आज मैं जिस मुकाम पे हूँ मैं उस मुकाम से हमेशा ऊपर जाऊँ, कभी नीचे ना गिरूँ। अभी वो स्टडी कर रहे हैं, वो लॉ कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि वो बहुत अच्छे लॉयर बने, मतलब बहुत अच्छे यू नो एक बहुत बड़े लॉयर बने ताकि वो मुझे संभालें। ये तो मुश्किल काम बताती है। जी मेरी देखो मुझे एक चीज़ बताया, एक ये मेरा बड़ा बेटा, तो इसलिए आज का दिन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरे दोनों बेटों का बर्थडे होता है, तो मैं हर साल इसी तरह सेलिब्रेट करती हूँ। और थैंक यू आप लोगों का कि आप लोग आते हो। मेरी मम्मी का एक फ्रेज है जो मुझे मम्मी हमेशा कहती हैं कि बेटा बी डिफरेंट, बी डेडिकेटेड, बी डिफिकल्ट एंड बी द वन एंड ओनली। द सेम हैप्पी बर्थडे टू माय ब्रदर एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मम्मी की वजह से आज हम दोनों का बर्थडे एक साथ बनता है, सो ये हमारे लिए बहुत अच्छी भी बात है। और वाकई में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं और सिद्धार्थ हमेशा इसी तरह साथ साथ बर्थडे मनाएं और आप लोग हमें इस तरह बेस्ट विशेज दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गाना कौन सा? गाना तो आप गाएंगे ना? मेरे तो अनमोल रतन। तुम जियो हजारों साल और क्या है, आगे आप लोग गा दो। हाँ, साल के दिनों 1000 हैप्पी बर्थडे टू यू माय बोथ सन। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हाय, थैंक यू सो मच। एंड आज सिद्धार्थ का बर्थडे एंड प्लस एक फिल्म का मुहूर्त भी है जिसका नाम है भंकस, बट इंटरेस्टिंग सा है टाइटल। एंड जस्ट आई जस्ट वांट टू से कि हैप्पी बर्थडे टू सिद्धार्थ एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस मूवी, ये बहुत अच्छी बने, सक्सेस हो, तो बस हम तो रिलीज़ का वेट करेंगे, दैट्स इट। First of all, happy birthday Siddharth, and I really like his work because I have seen him in Ashoka, and मैं उसको शुभकामनाएं दूंगा क्योंकि उसकी पहली फिल्म भंकस शुरू होने जा रही है। एंड एज ए एक्टर मेरी तहे दिल से उसको सारी शुभकामनाएं हैं कि वो जिस तरह से टीवी में उन्होंने नाम कमाया वैसे ही फिल्मों में नाम कमाए। अच्छा लगता है जब एक एक्टर छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर आता है, तो मैं समझ सकता हूँ वो एक फीलिंग कैसी होती है। एंड इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके साथ एज एन एक्टर, एज एन प्रोड्यूसर। सिद्धार्थ जिस तरह से उन्होंने टीवी में लोगों को अपना फ़ैन बनाया वैसे ही वो फिल्म्स में अपना फैन अपने फैंस बनाया। एक्चुअली मैं तो एक्साइटेड हूँ कि सिद्धार्थ का इस फिल्म में कैरेक्टर कैसा होगा, बिकॉज वी ऑल आर सीन हिम एज अ वो धूम फिल्म में उनका कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसकी वजह से भी मैं इतना वेट कर रही हूँ कि पता नहीं इस फिल्म में कैसा कैरेक्टर होगा। एंड आई जस्ट सॉ हिम बहुत ब्राइट से चमके हुए से लग रहे थे, तो सो वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड। किस फिल्म के बारे में? इस फिल्म में हम नहीं हैं एक्चुअली। इस फिल्म में हम नहीं हैं, हम जस्ट उनको विश करने आए हैं एंड हम उनको ऑल द बेस्ट करने आए हैं, डायरेक्टर्स को एंड सिद्धार्थ को एंड ऑल टीम, लाइक दैट्स इट। कोई भंकस की आप लोगों ने, किससे भंकस की? कोई भंकस भंकस नहीं सुना?
एमी, हमने अपने सेट पे बहुत भंकस की है एक्चुअली. लाइक हम लोगों ने दोनों साथ में कर रहे हैं फिल्म जिसका नाम है लव लाइफ एंड स्क्रू अप्स. And बहुत सारे स्क्रू अप्स हैं उसमें. तो भंकस मींस ही टोल्ड मी कि भंकस मींस एमी है, एमी. तो हमने ऐसे मूवमेंट्स बहुत किए अपने सेट पे. तो हाँ, ऑब्वियसली बात है, हमारी भी फिल्म आ रही है, वो फिल्म आप लोग ज़रूर देखना, लव लाइफ एंड स्क्रू अप. एंड ऑल्सो आई एम कमिंग विथ न्यू बॉलीवुड फिल्म 31st October 1984 जो रिलीज़ हो रही है अभी 7th October को. सो आप सब लोग देखिए. That's it. बाकी इस फिल्म में हम नहीं हैं, हम जस्ट विश करने आए उनको. थैंक यू सो मच. या सिद्धार्थ का आज बर्थडे है तो मैं सबसे पहले उनको विश करना चाहती हूँ हैप्पी बर्थडे सिद्धार्थ. एंड ये साल आपको बहुत अच्छा हो. एंड आज आपकी फिल्म का भी लॉन्च है तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले. एंड आई हैव सीन योर अशोका, इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग एंड यू आर डूइंग रियली गुड. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर. धूम में या आई हैव सीन धूम फिल्म एक्टिंग, ही इज जस्ट अमेजिंग. भंकस नहीं, मैंने नहीं किया. गाना डेडिकेट सिद्धार्थ को, कौन सा वाला बर्थडे सॉन्ग कौन सा है? तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 1000 I don't know much. मैंने अभी दो मूवी साइन की हैं और मेरा गाना आ रहा है अभी मनमानी इस महीने और मे बी नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में रिलीज होने वाला है. एंड मैंने गाना गाया वो उस गाने की नहीं कोई और गाने की, इट्स फाइन बिकॉज इट डिडंट रिलीज येट. ओके मनमानी होने देना जिस्मों की मनमानी. सो दिस इज द टाइटल ट्रैक. थैंक यू. मैं हूं कंगना शर्मा एंड या कांग्रेट्स टू हेडलाइंस 18. हाय, मैं हूं कंगना शर्मा, कीप वाचिंग एंड कांग्रेट्स टू, सॉरी मैं भूल रही हूं, सॉरी कांग्रेट्स टू टीम. या सॉरी, कांग्रेट्स टू टीम हेडलाइंस 18. ओके. हाय, मैं हूं कंगना शर्मा, कांग्रेट्स टू टीम Headlines 18 and keep watching. Stay tuned. Thank you. Keep watching. Latest one. Okay. Okay. Headlines 18. Hi, I'm Kangana Sharma. Keep watching. I'm forgetting it. Sorry, I'm very confused. Sorry, I'm sorry. Congratulations to team Headlines 18. Keep supporting. Keep watching latest Bollywood news and stay tuned. That's it. दोबारा से. ओके. हाय, मैं हूँ कंगना शर्मा एंड कॉन्ग्रेट्स टू हेडलाइन 18. स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग बॉलीवुड लेटेस्ट न्यूज. थैंक यू. Appreciating Siddharth Bhai, so ever you are, just wave your hands because you're just there. So yes, they are there, the superstars. So Siddharth ke baare mein main zyada kuch nahi kahungi kyunki aap sabhi jante hain. Sabse pehle is chehre ko humne Dhoom 3 mein dekha tha aur unki acting se pura world unka fan. Satya Shanti Productions. So here sir is, and hum sir se hi jana chahenge ki what is his idea about this film aur sir kya kehna chahte hain. Can I have one more mic, please? Thank you very much.
सुबोध सर वेलकम ऑन स्टेज एंड मैं चाहती हूँ आप सभी को कुछ फिल्म से रिलेटेड बताएं। इस फिल्म का आइडिया जो अनमोल सर ने बनाया है वो बहुत ही बेहतर मुझे लगा और वो नॉन वायलेंट लोगों की जो ज़रूरत है वो सच में ज़रूरत है सक्सेस लोगों से ज़्यादा। तो यही एक आइडिया है, सबसे बड़ा नया आइडिया यही है, हम लोगों को यही पसंद आया और इसको करने का हम लोगों ने सोचा। सो सर ये जो फिल्म है आपका, मैं चाह रही हूँ आपसे भी एक बार जोरदार तालियां सर के जवाब के लिए। और सर आपके लिए कितना मतलब ये जो जर्नी है इस फिल्म तक आने की कैसी रही, मतलब ये भी हम एक थोड़ा शॉर्ट नोट पे जानना चाहते हैं। जर्नी तो बहुत लंबी रही है भाई, लेकिन बीच में हम एक फिल्म कर रहे भी रहे थे, लेकिन वो बाबा के साथ फिल्म कर संजय दत्त जी के साथ, उनसे हमने मुलाकात भी हमारी हुई थी, 3-4 बार मुलाकात हुई, लेकिन दुर्भाग्य से वो फिल्म नहीं कर सके क्योंकि उनको पता ही है, पूरे देश को पता है। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने कम्प्लीटली मैंने फिल्म बनाना छोड़ ही दिया, मैं बोला जब आएंगे तभी हम करेंगे। और ये मैं भी यही सोचा, अनमोल सर ने भी यही सोचा था, तो जब बाबा को आने का हो गया तो फिर मैं प्लानिंग किए हम लोग, उसके बाद इसको बस बंकर सामने है। बंकर सामने एक बार बंकर्स के लिए जोरदार तालियां। इसके पीछे का आइडिया, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि इस दुनिया को कामयाब लोगों से ज्यादा नॉन वॉयलेंट लोगों की जरूरत है, जो कि बिल्कुल सही है 100%। ओके एवरीबॉडी अब हेलो, आज के दौर में सभी कोई सक्सेस होना चाहते हैं, सक्सेस मिल भी जाए लेकिन उसको हजम करने के लिए नॉन वायलेंस लोगों की जरूरत होती है। ये एक ऐसी कहानी है कि सक्सेस से ज़्यादा नॉन वायलेंस लोगों के लिए क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है और उसको कैसा क्या हैंडल किया जा सकता है इसके लिए। और ये जो है बेसिक जो डाला जा सकता है ये कॉलेज में ही डाला जा सकता है, बड़े होने के बाद में उसमें कुछ डालने की गुंजाइश कम हो जाती है। इस वजह से हमारे अनमोल सर ने उसको ये किया गया। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल इंट्रोडक्शन अबाउट द फिल्म एंड वन मोर टाइम आई विश ऑल द लक फॉर द होल टीम ऑफ द वेरी गॉर्जियस एक्ट्रेस विद अस अंकिता गोस्वामी। पहले आप इन दोनों के लिए जोरदार तालियां प्लीज, तालियां थोड़ी कम है, आई वांट लिटिल हायर प्लीज, कम ऑन, थैंक यू वेरी मच। अब आप दोनों यहाँ पे हैं, आपसे मैं सबसे पहले पूछना चाहती हूँ, फिल्म अभी तक आपने फिल्म तो क्या, आपने धूम थ्री आमिर खान के यंग आमिर खान का किरदार निभाया एंड ट्रस्ट मी वी ऑल लव्ड यू इन दैट। अब एवरीबॉडी इज वेरी एक्साइटेड टू सी यू इन वन मोर फिल्म, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस एंड प्लीज टेल अस सम मोर ऑफ स्टोरीज अबाउट दिस फिल्म प्लीज। थैंक यू सो मच कि आप सभी आए मेरी बर्थडे पार्टी में, और बहुत ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरी फिल्म पंकज से भी आज मुहूर्त है एंड थैंक्स टू माय प्रोड्यूसर। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे लिया इन दिस फिल्म, इसमें मेरा कुछ अलग ही कैरेक्टर है, वो कहते हैं ना एवरीडे लर्निंग डे, सो इस फिल्म में मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है। यू नो लाफिंग मॉफ, मैं इसमें मेरा जो कैरेक्टर है थोड़ा लाफिंग मॉफ है, मैं लोगों को हंसाता हूँ बिकॉज मैं जो बिलीव करता हूँ इस लाइक की लड़ाई से अच्छा अगर हम दूसरे वे से किसी को मनाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। कहते हैं ना लोग जब लोग बड़े बन जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि उनकी जमीन क्या है, तो दिस फिल्म इसकी बेस इसी पे है कि लोग जमीन याद रखिए कहाँ से Thank you Siddharth for sharing this wonderful idea about your film. And now I would like to know from you Ankita, please tell us something about your experience in this film. Yeah. First of all, thank you all. Can you please check up the audio? I think this is working better. First of all, it's my love. I got the opportunity to work with Siddharth. Not about very much this movie, but I know Mani. She's very loving. She has lots of attitude. So, I think
थैंक यू अंकिता, थैंक यू शेयरिंग दिस अबाउट फिल्म. सो हमारे दोनों एक्टर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सभी की तरफ से. एंड सिद्धार्थ, वी आर क्यूरियसली वेटिंग टू सी इन वन मोर फिल्म. सीरियसली एवरीबॉडी बिग हैप फॉर द स्टार गेम. थैंक यू सो वेरी मच. दैट वाज लवली. आई रिमेंबर दैट डूम 3 वाला. दैट वाज लवली. ओके, सो यू मे जस्ट जॉइन योर फ्रेंड्स नाउ. एंड नाउ इट्स या अनमोल पांडे सर, अब एक्टर्स ने प्रोड्यूसर सर ने सब बताया, अब आपकी बारी है क्योंकि डायरेक्टर्स का डायरेक्टर सर का जो से होता है वो सबसे भारी माना जाता है. तो लेट्स हियर व्हाट यू हैव टू से. बहुत कॉन्फिडेंस के और भी खाली मैच बनाए तीन तीन है वो बोला दे तो उसको दो साल जाने प्रोड्यूसर की खुशी हुई. अभी आवाज नहीं आ रहा है खाली एंकर के लिए. हेलो, ये एक्चुअली इट्स अबाउट लाइक कि दुनिया को काम है, लोगों से बताता है नॉन वायलेंट लोगों की जरूरत है. और एक्टर्स प्रोड्यूसर्स दोनों मेरे प्रोड्यूसर्स दोनों एक्टर्स और पूरी टीम पॉसिबल नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इस मौके पर इससे ज्यादा शायद थैंक यू अमोल सर, थैंक यू सो मच. एंड विद दिस आई वुड आल्सो लाइक टू टेल यू आई रिक्वेस्ट वन मोर टाइम, रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू प्लीज कम ऑन स्टेज. भाई ओ चाचा क्या कर रहे हो? Please play the song at the background. Thank you. The cake on the stage. Thank you.
बहुत अच्छा पर मेरा है मौन का राजा कहा है तड़प इतने किए गए भाई एक ही कर दिए अच्छा ना फुटेज मिलेगा ना अपने बारे में मारते रहो जितना चल रहा है यहाँ तो कितने के दिखते ही नहीं इंडिया वालों मैम का जी की तरह Please play the celebration birthday song. So one more time we all of us wish a very happy birthday to Siddharth and Abhishek. सिगरेट पीने वाला जा कबीर राजा जा रहे सिगरेट पीने वाले जा नहीं रहे राजा जाना जाओ नहीं ना पटकना वाला सिगरेट पीते ही नहीं बड़े हो पंडित जी प्लीज की प्लेइंग द सेलिब्रेशन सॉन्ग डू नॉट स्टॉप इट Happy birthday.
ना 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 वो कितना अंदर खड़ा है पता है ना। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.